नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु आथरे प्रथमे हेडलाइंस कोनो एमिति काबू हेबो कोरोना टीका नेबा पई वैक्सीनेशन सेंटर आकरे ठेला पेला सामाजिक दूरता भूली कले लोके पिपली मंगलपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रो आसिला अव्यवस्थार सांघातिक चित्र देशरे कमिला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 3,29,000 नुआ आक्रांत एपटे राज्य में 9,793 नुआ पॉजिटिव महामारी नेला आउ 18 जीवन बीएमसी ड्राइव इन अभियान भुवनेश्वर आउ 3 स्थान में आरंभ है वैक्सीनेशन सेपटे ब्रह्मपुर महानगर विभिन्न स्कूल और खेल पड़िया 18-44 वर्ष लोक चली टीकाकरण सुवर्णपुर कालबैशाखी तांडव प्रबल बेगर पवन बहवास घड़घड़ी और वर्षा उड़ीगला चाल छपर घर अनेक स्थान में रबी धान फसल नष्ट आशंका एवं छतीसा निजोग बैठक महाप्रभु बाहर चंदन यात्रा और रथयात्रा नहीं भर्चुआल आलोचना चलित वर्ष बिना भक्त चंदन यात्रा 50 जन पालिया सेवायतों प्रवेश अनुमति आसिया संपूर्ण खबर को कौन एमिति काबू हेबो कोरोना टीका नेबा पई ठेला पेला किए आग छिप किए आग टीका नेबो गेट खोलिले किए आग टीकादान केन्द्र को पशिब गेट खोलिला जीए पारिला आ सी आगे धसई पशिला ए दृश्य को भल भाव देखत ए दृश्य हूँ पिपिली मंगलपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ये टीका नेबा लोकंर प्रबल गहली जमी एठार सामाजिक दूरता नहीं टीका नेबा चढ़ाचढ़ी परिस्थित स्थित नियंत्रण पर मंगलपुर सीएचएससी कर्तृपक्ष कौन से पदक्षेप नहीं कोविड नियमर धज्जा उड़ू गतकाली समस्या देखाईला यापर भी प्रशासन पक्षर कौन व्यवस्था कर फल आज सामान स्थित देखा मिली ए दृश्य को आपल भाव देखु सेठे किभली लोके माने गेट्रे ताला पड़ी और गेट खोलिबा मात्रे ही लोके धसई पशिबा को प्रस्तुत रही अर्थात गेट केते बड़े खोलिब आउ किए प्रथम जीव टीकादान केन्द्र को एवं सेठारे टीका नेबो ये होची कि दृश्य आपण माने देखंतु एठारे लोके कोरोना नेबे ना कोरोना टीका नेबे से दृश्य ही बयान करुची जे एठारे किभली लोकंकर गहली जमीची एठारे कहा मुहरे मास्क अछि ठीक ढंगरे तो कहा मुहरे मास्क नहीं आ सामाजिक दूरता कथा एठारे पचारे फाकिए भल भाव दृश्य को नजर पकातु गेट्रे किभली जगी रही मेडिकल जो मैंने कर्तृपक्ष रही अंपटे गेट खोलिबा मात्रे गेट आरपटे लोके पूरा प्रस्तुत रही धसई पशिबा को अर्थात जी आग आसब एठारे सी आग टीका नेब एक आपको देखाऊँ दृश्य मो सहित सीधासख जोड़ रही आम प्रतिनिधि दुर्गा माधव परिडा फोन लाइन जोड़ रही दुर्गा ये जो चित्र आसुची ये चित्र आज नुहे ये चित्र गत काली सामान स्थित देखा मिलता सामान दृश्य सामना को आसी आज पुणी से सामान दृश्य तेज फोन लाइन टी कटी आम जोजोग करने को चेस्टा करु दृश्य को आपड़ थे नजर पकात आपण कोजुब लगे ये दृश्य देखने हे तो ये लोके जो मैंने अच्छा केवल जी एठार वृद्ध मैंने युवक मैंने अनेक जन देखु किभली लोके रही आेलाफेला पिस्थित एठार उपजुच्छे गेट खोल जा लोके पूरा प्रस्तुत रही किभली धसई पशे से दृश्य ही बयान करुच्चे एठार किभली कोविड मुकाबला चली अर्थात एठारे कोविड परिचालना किभली चली राज्य सरकार बारंबार बाहपा ने सठिक ढंग से कोविड मैनेजमेंट चली हूँ आम राज्य कोविड मैनेजमेंट चित्र जो टीका नेपाई गेट आर पाखे जगी रही हजार हजार लोके शह शह लोके गेट एपाखे देखु किभली लोके बुझाऊँ किंतु ये अबुझा लोके प्रशासन पक्षर से नहीं कौन पदक्षेप नहीं नहांती जो कि आज ये लोक अबुझा होती आ लोके पूरा प्रस्तुत रही गेट खोलिबा मात्रे मु आग जी आउ किए व्यक्ति कहते मु आग जी ये दृश्य आज नुहे ये दृश्य गत काली सामान दृश्य देखा मिलता किंतु प्रशासन पक्षर कौन व्यवस्था कराना जावा कौटना कौटे दुर्भाग्यजनक राज्य में यह स्थित रही कोरोनार कोरोनार चांचल्यकर स्थित सांघातिक स्थित आपुंत 10,000 ऊपर रोला संक्रमित संख्या जदिव आज संक्रमित संख्या कमी कारण टेस्टिंग संख्या से भावे कमी आज ये टीकादान को गुरुत्व देखते किंतु टीकादान केन्द्र में किभली दृश्य आपने देखु आम सहित जोड़ रही आम प्रतिनिधि दुर्गामाधव परिडा दुर्गामाधव ये दृश्य आज आम देखु गत काली सामान दृश्य देखी ये प्रकृत प्रशासन पक्ष अव्यवस्था कहीं
तेबे हमरा जोगाजोग होई परना बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा एवं किंतु ये दृश्य ही बयान करुच्छी जे राज्य सरकार किभली कोविड मैनेजमेंट करुछंती आउ प्रशासन केते तत्पर रहिछि कोविड मुकाबला करिबारे। आसिया परवर्ती खबर को देशरे तळमुहा कोरोना ग्राफ गत 24 घंटा रे 350,000 कम आक्रांत चिन्हट होइछंती अर्थात गोटे दिन रे 329,942 नुआ कोरोनारे संक्रमित होती आउ 3,876 जन जीवन जाइए से 24 घंटा 356,082 जन कोरोनार सुस्थ होती देश में एवं मोट आक्रांत संख्या 2,26,62,575 पहुंची मोट मृत्यु संख्या 2,49,992 है। टेस्टिंग कमिला राज्य में दैनिक संक्रमण भी कमिला राज्य में 10,000 तौक खसला दैनिक संक्रमण गत 24 घंटा 9,793 नुआ आक्रांत चिन्हट होती खोर्धार सर्वाधिक 1,511 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले सुंदरगढ़ 1,018 जन कोरोन संक्रमित होतीपरी कटक 641 अनुगुल 526 झारसुगुड़ 404 नुआपड़ 401 पॉजिटिव चिन्हट होते जाजपुर 376 संबलपुर 356 बलांगीर 342 एवं बालेश्वर 314 जन नुआ रोगी चिन्हट होतीपरी गत 24 घंटा भितर महामारी नहीं 18 जन जीवन गोटे दिन में 46,241 नमूना परीक्षा हो वर्तमान राज्य पॉजिटिव हार रही 21.17% राज्य में वर्तमान सुधा एक्टिव केस संख्या 94,829 पहुंची। कोरोनार द्वितीय लहर में महिला अधिक संक्रमित होती केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार 2020 34% महिला आक्रांत होता बेले 2021 वर्तमान सुधा 38.5% महिला आक्रांत होती 2021 तथ्य अनुसार बिहार में 42%, महाराष्ट्र में 38%, कर्नाटक में 36% और तमिलनाडु में 32% महिला कोरोना आक्रांत होती। कटक सहर में 18-44 वर्ष व्यक्ति आज टीकाकरण आरंभ हो सकाळ 8 दिन 12 पर्यंत चलो ही टीकाकरण जो मैंने कोविन आप पंजीकरण कर स्लट बुकिंग करमे टीका दि जाए कटक विभिन्न टीकाकरण केन्द्र में चली टीकाकरण इन अधिक सूचना सीधा सड़क जोड़े रही प्रतिनिधि इमरान खान इमरान कटक सहर से आज जो टीकाकरण आरंभ हो विशेष करी जानिया को चाहिबो केउ केउ अर्थात केतोटी केंद्र करा जाय छी समय कोन रहै छी समय सीमा ओ देखो तो माधुरी आज कटक सहर रे 18-44 वर्ष वयस्कों को कोविड टीका दिया जाउ छी एवं एथि पय सकाळे 8 रु दिन 12 जे समय रखा जाय छी एवं जेतु या पूर्व रु जा निर्देश दिय जतला जो माने कोविन एप रे रजिस्ट्रेशन करके स्लॉट बुकिंग करते से ही मानक केवल टीका दि जाए जेहतु ये युवगोषी को बर्तमान टीका दी जाए इसमें पूरापूरी भाव में व्यवस्था कर कटक सहर विभिन्न टीका केन्द्र और जितकी टीका केन्द्र रही है से घर घर मेडिकल आरंभ करके सरकारी हस्पिटाल जो टीका केन्द्र कर सब स्थान में बर्तमान युवगोषी को टीका दि जाए आम जेहतु बर्तमान अच्छे कटक सिटी हस्पिटाल और ये 18-44 वर्ष वयस्क को प्रथम डोज टीका दि जाए समय 8:30 दिन 12 पर्यंत समय रखा जाए जहाँ लक्ष्य रखा जाए 200 डोज टीका देवाई व्यवस्था कर टीका से दि जाए जो मैंने प्रथम कोविन एप रजिस्ट्रेशन करते स्लॉट बुकिंग करते से टीका दि जाए आम सहित जो टीका नहीं किसी युवगोषी अच्छे ठार् सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना आज आप टीका दे के स्लॉट बुकिंग करते कमी कौन आप मन भर उत्साह टीका ना बहुत उत्साह थी कल रात आम स्लॉट बुक करूँ
ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବ୍ ଲୁକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆସି ନେଇଛୁ। ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଥିଲା କରୋନାକୁ ନେଇକି, ଯେ ଟୀକା ନେଲେ ଯେହେତୁ ଟୀକା ନିଆଯାଉଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା? ନାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଟୀକା ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କରୋନାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦୂର କରିପାରିବୁ ଆମ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଏତେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆସି ଆମେ ନେଲୁ ଟୀକା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଟୀକା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆପଣ ଆସିଲେ ଟୀକା ନେଲେ, କେବେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ଆପଣ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନର ପରିଶ୍ରମ, ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁକ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। 5 ମିନିଟ୍ ପୁରା ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମୁଁ ବୁକ୍ କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି 200 ସିଟ୍ ଦେଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ବୁକ୍ ସରୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଉଛି 30 ସ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ମାନେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଜି ଆସିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ଆଉ 30 ଦିନ ପରେ ଦେବି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମିଳିଗଲା। ମନ ଭିତରେ କରୋନା ଥିଲା, ଭୟଭୟତା ଯେଉଁ ଥିଲା ଭାଇରସ୍ର, ତାପରେ ଟୀକା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ଆସିଲା କି ଟୀକା ନେବା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାତ୍ ଦେଇପାରିବା କରୋନାକୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ? ପୁରା ସତ କଥା, ଏହି ଏହି ଭାଇରସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ମିଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଆମେ 18 ଉର୍ଦ୍ଧ, ଏତେ କିଛି ମାନେ ଦେହକୁ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ପାଇଁ ଇଏ ଅଛି, କ୍ଷତିକାରକ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ନେବାଟା ବହୁତ ମାନେ ଠିକ୍, ମିଳିବାଟା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ, ଲୋକମାନେ ନେବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଇମ୍ରାନ, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କର, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେତେ ରହିଛି ସିଏମ୍ସି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟୀକାର ଅଭାବ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଡ଼ ଅବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖାଇବି, ଏଠି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିବେ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ କେବଳ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକନ ବା SMS ଯାଇଥିବ, ସେଇମାନେ କେବଳ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଟୀକାକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଥିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଇଡିଆ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଦେଖାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆସି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଉପକରଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ? ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ କେଉଁ ବୟସ୍କକୁ ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବୁ? ଆଜ୍ଞା, କୋଭିଶିଲ୍ଡ ମୁଁ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ, 40 ଇୟର୍ସ ଅଛି, ତ ଆମର 18-44 ଥିଲା, ତ ଆମେ 3 କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ପରେ ଆଜି ଆସିଲା କନଫର୍ମେସନ୍, ତ ଆମେ 3 ଆସି ଫେରିଲୁ, ଆଜି 4ଥର ହେଲା ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଦେଖୁନି, ତ ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ପୁରା ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିକି ଯାଉ। ବୁକିଂ କରିବାର ଆଜ୍ଞା 18 ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଟୀକାକରଣ ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସୁଛୁ, 3 ଆସି ଫେରିକି ଗଲୁ, ସବୁବେଳେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି, ଦେନ୍ ଏଠି ଆସୁନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେପର୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲୁ, ତ ପେପର୍ ଦେଖାଇଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଆଇଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଦେଖାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିକି ଯାଉଛୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଡ଼ାଚଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ନି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖରାପ ପାଇଁ ଆମେ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। ଆର ଉପକରଣ କ'ଣ କେମିତି ସରକାର କରିବେ, କିମ୍ବା ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗଟା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେ ଆଉ କେଉଁ ଲୋକ ଏମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଅଭିଯୋଗଟି ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି, ସେଠି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଆସିବା କଥା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ର, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଲୋକ ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ପୁରା ସରଳ ଉପରେ ଟୀକା କେନ୍ଦ୍ର ଟୀକାକରଣ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି,
सरल उपाय टीका केन्द्र में पूरा फाका रही जो व्यवस्था करएमसी पक्ष पूरा पूरी भाव से व्यवस्था सुरखुरी चलती 200 डोज टार्गेट रखा जाता है। 18 रु 44 वर्ष वयस्क को टीका दि जाऊँच जो मैंने रजिस्ट्रेशन कर टोकन जो पाखे से मैंने केवल टीका दौरान जेहेतु आप देखिए ये टीका केन्द्र व्यवस्था पूरापूरी भाव में सरल उपाय टीकादान चलो ताकि विभिन्न प्रकार व्यवस्था करूँ कौटा कौटी आहरी अनेक जांचिक त्रुटि रोचे अनेक अव्यवस्था कौटा कौट रही जहाद्वारा कि अनेक लोक अच्छा से मैंने अनेक प्रश्न उठाते हरण हरकत होती कि पूर्व आम कर किसी अभियोग आम सबू युवक अभियोग करते जिते बारे दीर्घ दिन से स्लॉट बुकिंग करते पंजीकरण करते कि से टीका नहीं पार्टी कि परिवार वर्ग टीका नहीं पार्टी जहाँ कि समस्या बर्तमान सृष्टि होती टीका केन्द्र केरारे जो स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्यकर्मी से टोकन जो मैं दी जाती से टोकन ही नहीं आस टीका नापा आस टीका बर्तमान दी जाती जेहतु भिड़ अधिक टीका केन्द्र मानक होता से ही टीका केन्द्र मानक व्यवस्था कर टीका केन्द्र स्वास्थ्य कर्मी व स्वास्थ्य अधिकारी रोचे प्रतिक्रिया नाप चेस्टा करी किपर भाव में यह व्यवस्था बर्तमान करेतु टीका केन्द्र व्यवस्था देखी पड़ते अनेक जगार बर्तमान भिड़ लग रखा टीका केन्द्र मानक से व्यवस्था को सुधारे केमती कौन व्यवस्था कराकि विभिन्न प्रकार पदक्षेप निर्देश प्रशासन पक्ष किसी पदक्षेप निहित किड़ को नियंत्रण से नहीं विशेषकर ध्यान दि जाए बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपंकर तमाम सूचना सेपटे वेम्स ड्राइव इन अभियान आज भुवनेश्वर आउ तीनोटे स्थान में ड्राइव इन वैक्सीनेशन आरंभ हो गाड़ी भितर टीका दिजार व्यवस्था करनी अधिक सूचना देखते हम प्रतिनिधि कविता स्वईं किछ दिन पूर्व बीएमसी पक्षर कर वैक्सीन ड्राइव व्यवस्था आउ समस्त मध्य बेस समस्ते खुशी थे जहा कि गहली बढ़ती आम सहजरे निज गाड़ी भितर रही आम वैक्सीन दे पारू आउ गोटे जगार किछ दिन पूर्व एस्प्लेनेड मॉल रे आरंभ होता यह व्यवस्था ता परवर्त पर्याय बढ़ा जाता आज जदि कह सिंफोनी मॉल एवं किट्र जो स्टेडियम रही आम कलिका गैलेरिया जो रही कल्पन से आरंभ हो टीकार अव्यवस्था कथा जदि देखा चाहिए तेज 8:30 समय रही वैक्सीन देवार समय किंतु वर्तमान पर्यंत ये आरंभ होना अनेक लोक आसेक्षा करदि कह समस्त मुहर गोटे कथा समस्ते निजर प्रमाणपत्र धरिकी आसी कितु केत सेकेंड डोज दि जा 45 वर्ष रु ऊर्ध जो लोक मैंने आसिकी गहली कहीं जी कह अव्यवस्था भितर हिं ये टीकाकरण होज्ञा आपन को कहुई 8:30 भितर निजर प्रमाणपत्र आसवाक 9:30 भितर कहुला आम पूर्व आँची क्या 8:30 रू कहुई कि मत 9:30 था पूर्व आम ठिया मो पूर्व भी लोक ठिया होती गेट भी खोला ना कि गेट में पचारा बेलू कहते भितर चली पुणी आउ जे किए आसर कहूँ जे ना टीका आसी ना किए कौन टीका आसी ना किए कौन भितर चली कि देखो आप खर आम सब वयस्क लोक ये ठिया हो आम पाखे किसी मैंने ये ना मुंड बुले से कोविड जंत्रा ठीक खरा जंत्रा बढ़ी जो अव्यवस्था को रोकवाई ही कर कहीं जो भिड़ देखा मिलूला से भिड़ कमे व्यवस्था कर गाड़ी भितर ही जन वैक्सीन नहीं पार कि जो आपने गाड़ी लंबा लाइन लगी आपने लाइन करपर्यंत सेन्टर खोल जाए कि पार्किंग खोल जाऊनि जो मैडम आम 8:30 स्लट दिखाई जार कार नहीं से तो स्कूटर आसो किए चलिक आसो एटलिस्ट कि तंबू बांधि कि छाई करता देखुं खरा समय वयस्क लोक अच्छा से तो कोविड रू पर मरवे आगे तो खरारे मरीज किसी ना पचारे आगे कहे आज वैक्सीन आसनी 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 तापर के वैक्सीन आसा जन नहीं कहते लोक अच्छा होपर कि समय कह सर्वर डाउन हो से कोविड रू पर आगे खरारे मरीज यहाँ व्यवस्था किसी ना कहीं लोक प्रपर्ली किए ना कि प्रपर इनफर्मेसन दे पारे जड़े गाइड करने को डेफिनेटली ना डेफिनेटली एत लोक ठिया होती के पर्यटन आज्ञा दिहित रजिस्ट्रेशन दिहलीस्ट किए तो था लोक जन दु जन था बीएमसी सैड्रु से तो एटलिस्ट बतई दिखता प्रपर इनफर्मेसन दे पारिता केत लोक ठिया होती के समय ठिया हे मैडम किए कौ कम छाड़ी आस 8:30 मो 8:30 आसिक ठिया देढ़ घंटा खरारे ठिया किसी इनफर्मेसन ना आम पाक किसी इनफर्मेसन नहीं दिया बुकिंग करी थी मेसेज आसी थी से आज्ञा पूरा कागज सहित सब प्रमाण पत्र अनेक समय धरी खरारे छेड़ा होती किंतु जदि कहिबा एपर्यंत एठी कहउचंदी अनेक जना से कहउचंदी कि
टीका आसी नाही एवं भितरे किए कहूँ भितरे टीका दि जाऊँगी किंतु ये कौन हो लोक मैंने साधारण लोक जापारे कहीं जनवाई ही कहीं ना बीएमसी व्यवस्था करदे सत किंतु जो टीकाकरण केन्द्र में गहली को रोकने व्यवस्था करगला किंतु देखा मिले ये अव्यवस्था ही अव्यवस्था कहीपर ये हूँ अव्यवस्थार चित्र आपने देखुले बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपंकर तमाम सूचना आसिया परवर्त खबर को आसंता 15 तारीख में पाक महाप्रभु बाहर चंदन यात्रा और विश्व प्रसिद्ध रथयात्रापी रथ निर्माण अनुकूल निम्ते आज भर्चुआल मध्यम अनुष्ठित हो छत्तीसा निजोग बैठक यह बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर कृष्ण कुमार जिलापाल समर्थ वर्मा एसपी के विशाल सिंह छत्तीसा निजोगर समस्त सेवायत प्रतिनिधि श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय अधिकारी उपस्थित रहिबे कोविड कटकणा एवं सीमित संख्यक सेवायतों को नहीं बाहर चंदन यात्रा और रथ निर्माण अनुकूल आज छत्तीसा निजोग बैठक में एने चूड़ांत निष्पत्ति बोली सूचना मिली कोविड कटकणा भित्तिरे अनुष्ठित हेब चंदन यात्रा पूर्व वर्ष भली एथर मध्ये श्रीमंदिर भितरे हेब नाही अक्षय तृतीया नीति और बाहर चंदन यात्रा बिना भक्त कराजिबो चंदन यात्रा चंदन चकड़ा को नीति सह जड़ित 50 जन पालिया सेवायतों प्रवेश उपरे रही अनुमति सेपटे चंदन यात्रार प्रसारण को नहीं गणमाध्यम उपरे लागिला कटकणा चंदन चकड़ा को जिबाकु भी करागला बारण अन्यपक्षे महाप्रभु जल क्रीड़ा प्रसारण ने गणमाध्यम को फिड देव प्रशासन एने जिलापाल समर्थ वर्मा सूचना दे हमारा ये रथ कला खोला और ये चंदन चकड़ा ये सब चंदन यात्रा 15 मई रू हमें आरंभ करूचु तापी हमें पूरा फुली प्रिपेयर्ड अच्छु हमारा जो माने भी रथ खोल रे भाग नेबे से मानकर आरटीपीसीआर टेस्टिंग काली हमें करूचु पाखापाखी 150 लोक अच्छा जोटी से माने रथ खोला करेंगे से स्क्रीनिंग थर्मल स्क्रीनिंग रेगुलर मेडिकल चेकअप और से मैं अलग गोटे जगह रखुचु जहाँ फल से आइसोलेशन रे भी रही टेस्टिंग परे और हमें रेगुलरली टेस्टिंग करूँ हमारा भोई माने रोचान महाजन माने रोचान चित्रकार माने रोचान एमती अलग अलग पाखापाखी टोटल 150 लोक से रोचान चंदन जात्रा में सेटा भी 15 तारीख रू हम सेटा हमारा मेन फंक्शन एठी नरेन्द्र पोखरी में कराजिबो एठी भी हमें आज बुली करके पूरा अरेंजमेंट देखी देछु बेसिकली यही यात्रा बेले पब्लिक रा कोनसी व्यूइंग अलाउड नहीं आमे लाइव टेलीकास्ट करिवा पई यार चेष्टा करूछु पास बेसिस रे हमें लोकों को अलाउ करिवु पाका पाकी 50-60 लोक माने ए पोखरी भितरे अलाउ हेबे तांकर नीति और ए सब देखी करके आम पूरा डिटेल डिस्कशन करी सारी छु अलग अलग निजोग संगे आज 12:30 बेले 3600 निजोग रा मीटिंग भी अच्छी से मीटिंग रे फाइनल एसओपी डिसाइड हेबे आमे भाबुछु एई पोखरी रे और हमारा जोती रथ खला होबो सेटी 144 करिवु सिचुएशन देखी करके आमे फाइनल लोईसिंघा अंचल में कालबैशाखीर तांडव पवन बेग बढ़ा वज्रपात भी हो स्थान स्थान कुआपथर माड़ होबार खबर आसी वर्तमान सुधा कौन धन जीवन नष्ट खबर आसी पाग मेघुआ सह तुहा को तुहा वर्षा होता सूचना मिली सेपटे सुवर्णपुर जिले में कालबैशाखी तांडव गरमु सामान्य आश्वस्ति मिलते व्यापक क्षयति घटी वीर महाराजपुर बिनिका उलुंटा और सोनपुर अंचल में प्रबल पवन सह घड़घड़ी वर्षा होवन में चाल छपर उड़ीसह अनेक स्थान में गच भांगि पड़ी प्रबल वर्षा जो रबि धान फसल नष्ट आशंका सेपटे बौद्ध जिले में व्यापक क्षयति घटाई कालबैशाखी विभिन्न स्थान में वर्षा लग रही डाली जातीय फसल नष्ट जमापड़ी समय सारी बुलेटिन को ये रखुचु अधिक खबर पाई देखु था अर्गस न्यूज नमस्कार।